सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय सिंधिया जी का और माननीय जनरल वीके सिंह जी का, सिविल एविएशन मंत्रालय का, भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को देश से जोड़ने का काम किया है। पर्यटन नगरी को, देवभूमि को नए पंख लगाने का काम किया है। हिमाचल आने वाले सैलानियों को एक सुविधा मिलेगी, वहाँ पर सेना की जो बड़ी योल कैंट से लेकर नाइन कोर, जहाँ पे हजारों हमारे सेना के जवान रहते हैं, हिमाचल के व्यापारी, कर्मचारी, किसान, सबको, स्टूडेंट सबको बहुत बड़ा लाभ इस हवाई सेवा से मिलेगा। इंडिगो की ये फ्लाइट, जहाँ इंडिगो का मार्केट शेयर देश में सबसे बड़ा है, लेकिन हिमाचल से ना जुड़े रहना उनका सफर अधूरा था, आज वो भी पूरा हुआ है। इनकी सेवाओं का लाभ ना केवल हमें धर्मशाला से दिल्ली का मिलेगा, आगे कनेक्टिंग फ्लाइट्स का भी देश से जुड़ने का अवसर मिलेगा। खेलों को, पर्यटकों को और धार्मिक पर्यटकों को भी इसमें बहुत बड़ा लाभ मुझे दिखता है। जो वंचित रहते थे अच्छी सुविधाओं के, आज ये तीसरी एयरलाइन हिमाचल प्रदेश के लिए शुरू हुई है। हिमाचल में भी धर्मशाला का पर्यटकों की संख्या मुझे दिखता है। जो वंचित रहते थे अच्छी सुविधाओं के, आज ये तीसरी एयरलाइन हिमाचल प्रदेश के लिए शुरू हुई है। हिमाचल में भी धर्मशाला का पर्यटकों की संख्या या फ्लायर्स की संख्या दुगनी हुई है पिछले एक दो वर्षों में। मुझे पूर्ण विश्वास है इसमें और बढ़ोतरी होगी। एक बार फिर हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठने के लिए और हवाई अड्डे में और हवाई सेवाएं देने के लिए मैं भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी और सिविल एविएशन मंत्रालय का बहुत धन्यवाद करता हूँ।